नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर पीएम मोदी के साथ साथ स्मृति ईरानी के भी रिएक्शंस सामने आए हैं। अमेठी और रायबरेली पर लंबे समय से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए कांग्रेस ने आखिरकार दोनों ही हॉट सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अमेठी सीट से नहीं बल्कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कयासों से एकदम उलट कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस ने जैसे ही दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की, वैसे ही बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। इस रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी डर के कारण रायबरेली भाग गए। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद से कहा कि डरो मत, भागो मत। पहले आप सुनिए पीएम मोदी का पूरा बयान। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही गांधी परिवार अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी का बयान। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। वहीं आपको अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बताएं तो किशोरी लाल शर्मा यानी केएल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें पहली बार अमेठी लेकर आए थे, तब से वो यहीं के होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब गांधी परिवार ने यहाँ से चुनाव लड़ना बंद किया तो भी शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम करते रहे। उन्हें संगठन ही नहीं परिवार का भी वफादार माना जाता है। बहरहाल अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। इन सीट्स और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।